बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस के सिलसिले का जो चैप्टर नंबर 4 है, डाटा एंड प्राइवेसी, उसकी मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, इंग्लिश में भी और उर्दू वालों के स्टूडेंट्स के लिए भी। जैसा कि रूटीन है, पहले हम लोग एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स का लेते हैं एक्सरसाइज, उसके बाद आपको मैं बुक के अंदर से निशान लगवा देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर है डाटा एंड प्राइवेसी। उर्दू में इस चैप्टर का नाम है, यूनिट नंबर 4 है, डाटा और राजदारी का मामला। लेकिन पहले मैं आपको एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज करवा देता हूँ। पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, में से कौन सी सॉफ्टवेयर पायरेसी नहीं कहलाती। ये ऑप्शन नंबर 2 है, लाइबिलिटी वाला ऑप्शन है, ये नहीं कहलाती। इसी तरह उर्दू वाले भी पॉइंट नंबर 2 जिम्मेदारी पर टेक कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम, इनमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है, यानी ऐसे जुर्म जो इंटरनेट के जरिए किए जाते हैं उनको साइबर क्राइम कहते हैं। तो डिक्रिप्शन जो है ना, वो कोई जुर्म नहीं है, वो तो एनक्रिप्शन को उल्टा करके डिक्रिप्शन करते हैं। तो उर्दू वालों के लिए भी यही ऑप्शन है, डिक्रिप्शन। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग ईमेल्स, इसका पॉइंट नंबर 4 है, सिमिलर डोमेन ऑफ एक्चुअल वेबसाइट, यहाँ पर भी आ जाएगा असल वेबसाइट की डोमेन। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टर्स ऑफ फिशिंग वेबसाइट, पहले ई मेल का जिक्र हुआ और अब फिशिंग वेबसाइट का जिक्र हो गया। बड़ा ही ये ज़बरदस्त उन्होंने ये एमसीक्यू बनाए हुए हैं। इसका ई मेल अकाउंट्स अपडेट्स का ऑप्शन आ जाएगा, चौथे का, इसका भी ई मेल अकाउंट्स का ऑप्शन आ जाएगा। पाँचवा है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पासवर्ड, अगर आप अपना नाम देते हैं तो ये अच्छा पासवर्ड शुमार नहीं होता, पासवर्ड सिर्फ आपके नाम पर मुश्तमिल है, ये अच्छा पासवर्ड खूबी नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स, मेकिंग इलीगल कापी ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड पायरेसी, उर्दू में भी पायरेसी आ जाएगा। कंप्यूटेशन वो टर्म है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, उर्दू में भी कंप्यूटेशन की इंग्लिश कंप्यूटेशन लिखी हुई है किताब में। एनक्रिप्शन वो तकनीक है जिसमें डाटा को एनकोड किया जाता है। उर्दू वालों का ये फिल इन द ब्लैंक जो है, ये गलत है। तीसरा, यहाँ पर जवाब पहले दे दिया, खुफिया कारी, असल में ये होना चाहिए था कि डैश वो अमल है जिसमें इनकोडिंग की जाती है। बहरहाल उन्होंने खुफिया कारी पहले दे दिया, तो अब इसका जवाब आप ऐसे बना लें, इनकोडिंग या इनक्रिप्शन डाटा की खुफिया कारी का अमल है, इसको ऐसे करते हैं। और उसके बाद है डी ओ एस अटैच, सॉरी फोर्थ है, जब एक की इसका इंटरम सिपर टेक्स्ट आ जाएगा, साइफर टेक्स्ट, इसका भी इंटरम साइफर टेक्स्ट आ जाएगा, डी ओ एस अटैक यहाँ पर आएगा। पूरा लिखना चाहें तो बेहतर है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है, उर्दू में भी डी ओ एस लिखे हुए मैंने, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक एक ऐसा साइबर अटैक है जिससे नेटवर्क की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है और नेटवर्क आपके काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। अब मैं बुक के अंदर से आपको निशान लगवा दूँ और फिर मैं एक्सरसाइज करा देता हूँ, इंग्लिश वाले को पहले करा देते हैं। सबसे पहले आपने जो टॉपिक करना है वो पॉइंट 4.1 करना है, टॉपिक को फोकस करें, एथिकल इश्यूज़ कर रहे हैं 4.1 टॉपिक, उसके बाद कॉन्फिडेंटली उसी का टॉपिक चलता जा रहा है आगे, पेज 74 है, पायरेसी करना है, उसके बाद सॉफ्ट लिफ्टिंग भी करना है, पेज 75 पे है ये दोनों टॉपिक, उसके बाद ये उसके सारे सॉफ्ट आगे किस्में हैं वो सारी करनी है, हार्ड डिस्क लोडिंग है, काउंटरफिटिंग है, ऑनलाइन पायरेसी है, उसके बाद फ्रॉड एंड मिस यूज़ करना है, ये क्या होता है, यहाँ पर डेफिनेशन भी है बड़ी मशहूर के, व्हाट इज कॉल्ड फिशिंग, उसके बाद पेटेंट वो करना है, कॉपीराइट लॉ क्या है ये करना है आपने, ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं ये भी करना है, ये भी एक सबताज करना, सिस्टम को मुकम्मल ख़त्म करना, ये आपका 4.1.2 टॉपिक कैंसिल हो गया, सेफ गार्डिंग ये आपका आपने नहीं करना, ये अगले तो 3 पेज नहीं करना, ये पेज 78 था। इम्पॉर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी ये भी कैंसिल हो गया, ये भी नहीं करना, एग्जाम्पल भी कैंसिल हो गई पेज 79 की। उसके बाद 4.2.2 टॉपिक है एनालाइजिंग पर्सन प्राइवेसी, ये भी कैंसिल हो गई, आगे उसके जो फर्दर एस्पेक्ट्स थे कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ये भी कैंसिल हो गए, पेज नंबर 80 पे था। उसके बाद सिंपल एनक्रिप्शन वाला टॉपिक अगला करना है, यहाँ से 4.3 से शुरू करना है, एक्टिविटी 4.1 नहीं करनी, एक्टिविटी 4.2 भी कैंसिल है, 4.3.1 टॉपिक करना है इंपॉर्टेंस ऑफ एनक्रिप्शन फॉर एवरी डे लाइफ, प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर करना है और एनक्रिप्शन प्रोटेक्ट प्राइवेसी ये करना है। उसके बाद 4.3.2 टॉपिक है सब्सटीट्यूशन, सिंपल मेथड है, साइफर मेथड ये भी करना है,
उसके बाद एग्जाम्पल नंबर वन भी ये इसके साथ दोनों एग्जाम्पल कर लेनी है आपने, ये दोनों टॉपिक करने हैं आपने। फिर 4.3.2.2 टॉपिक है विजनर साइफर, ये भी करना है, उसका टेबल नहीं करना और इसकी टेक्निक करनी है जो मेथड कहलाता है, एग्जाम्पल भी करनी है इसकी। इम्पॉर्टेंट नोट इसका कर लें, एक्टिविटी 4.4 कैंसिल हो गई, 4.3.3 विजगेट्स कैंसिल हो गया, ये सारा कैंसिल है, ऑल कैंसल्ड। प्रैक्टिकल टू डिक्रिप्ट मैसेज ये भी कैंसिल है, एनक्रिप्टेड विद रैंडम सब्स्टिट्यूशन फ्रीक्वेंसी ये भी कैंसिल हो गया, 4.3.4 ऑल कैंसिल, ये भी कैंसिल है सारा। एक्टिविटी 4.5 भी कैंसिल है, 4.3.5 वीकनेस एंड सिक्योरिटी फ्लॉज ये भी कैंसिल है, क्या खामी है सिस्टम के, ये भी कैंसिल है। और एक बड़ा टॉपिक शुरू हो गया है एनक्रिप्शन एंड की पासवर्ड्स, पासवर्ड के बारे में ये टॉपिक है सारा एनक्रिप्शन का। यहाँ से 4.4 टिक है, ये करना है आपने, उसके बाद 4.4.2 भी करना है, पेज 89। एक्टिविटी 4.6 कैंसिल हो गई, साइबर क्राइम करना है 4.5, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होते हैं ये भी करना है, एडवांस फी फ्रॉड करना है, हैकिंग करनी है, पायरेसी करनी है, और उसके बाद एक्टिविटी 4.7 कैंसिल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग अटैक कैंसिल हो गया, ये सारा कैंसिल है, ये सारा कैंसिल, ऑल कैंसिल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग भी कैंसिल, DOS डिनाइल सर्विस अटैक भी कैंसिल, हालांकि इसका MCQ हमने किया है, और ये इसका डायग्राम भी कैंसिल हो गया। आखिरी समरी, आगे समरी लाजमी करें, समरी के बाद MCQ सारे करने हैं आपको, मैं थोड़ी देर पहले करा चुका हूँ, फिर द ब्लैंक्स भी आपको मैं ये सारी करा चुका हूँ, ये आपने तैयार करनी है दोनों। और उसके बाद जी पहले दोनों शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, तीसरा नहीं करना, चौथा और पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन करना है, और एक्टिविटी 4.8 भी करनी है। उर्दू वालों को बता दूं मैं, उर्दू वालों ने जनाब पहले बच्चों ने यहाँ से स्टार्ट करना है, 4.1 टॉपिक से सिक्योरिटी से मुतल अखलाकी मसाइल, राजदारी पोशीद की प्राइवेसी करनी है, पायरेसी गैर कानूनी कापी राइट ये भी करना है, सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है ये करनी है, हार्ड डिस्क लोडिंग ये सारा टॉपिक करना है, जल्द सारा करना है, जेल साजी, ऑनलाइन पायरेसी, धोखा गलत इस्तेमाल करना है, उसके बाद जी पेटेंट करना है आपने, कॉपीराइट कानून करना है, तजारती रास भी करने हैं पेज 77 पे, उसके बाद सबूताज तकरीबकारी ये भी करना है। 4.1.2 टॉपिक है कैंसल्ड, ये नहीं करना, ये सारा कैंसिल हो गया। डेटा राजदारी अहमियत कैंसिल होगी, इंपॉर्टेंस कैंसिल होगी, सारी सारा कैंसिल होगी, एग्जाम्पल्स 4.2.2 ये भी कैंसिल हो गया, ये सारा कैंसिल है जी। खुफिया रायकारी खुफीकारी इनक्रिप्शन करनी है आपने, ये टॉपिक 4.3 करना है, सरगर्मी 4.1 नहीं करनी, कैंसिल हो गई, 4.2 भी कैंसिल है, मगर 4.3.1 टॉपिक करना है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंटरनेट पर इनक्रिप्शन की इम्पॉर्टेंस, हैकर से तहफ़ मिल सकता है, से अपना प्राइवेसी आपकी हो सकती है, खुफिया अलातकार डाटा हिफाजत होती है, मुतबादल तरीके भी करने हैं, 3.2 टॉपिक करना है, जिसमें पहले सीजर सिफर साइफर हो गया, दोनों एग्जाम्पल करनी है, उसके बाद वैगनियर साइफर है, फिर वैगनियर साइफर टेबल करना है, मगर टेबल याद नहीं करना, इंग्लिश वालों को भी बता चुका हूँ, उसके बाद तरीकाकार क्या ये करना है, दोनों एग्जाम्पल करनी है इसकी। सरगर्मी 4.4 कैंसिल हो गई, 4.3.3 टॉपिक है इसका इस्तेमाल, ये भी कैंसिल है, सारा टेबल सारा कुछ कैंसिल है, पैगाम डिक्रिप्ट करने का अमल ये भी कैंसिल है, डिक्रिप्शन, उसके बाद 4.3.4 टॉपिक भी कैंसिल है, ये सारा कैंसिल है, 4.5 कैंसिल, 4.3.5 कैंसिल, 4.4 टॉपिक आपने लाजमी करना है जी, ये टॉपिक करना है आपने, 4.4.2 भी करना है, ये सारा कैंसिल हो गया, ये 4.5 करना है आपने, ये भी आपने सारा टॉपिक करना है, पायरेसी भी करनी है, और उसके बाद सारा एंड तक सारा कैंसिल हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन आपने सिर्फ पहला दूसरा चौथा और पांचवा करना है, ये सारा कैंसिल हो गया, सब कैंसिल है, और शॉर्ट क्वेश्चन आपने सिर्फ